अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन। क्लास सेवन हमारा चैप्टर चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें अब हमारी एक्सरसाइज है 8.5। अब देखिए फॉर्मूलेस की तो हमें अनुभव बहुत हो गई है ना, क्योंकि अभी हमने पीछे 8.4 के अंदर चार फॉर्मूले किए हैं। अब एक और फॉर्मूला हम देखते हैं। ये देखिए, सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो सपोज इसकी ये वाली साइड जो है वो ए प्लस बी है और इसी तरह ये वाली साइड भी इसकी ए प्लस बी है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि इसका एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना। तो अगर हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। अच्छा, अब इसे हम सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। देखिए, पहले एक ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, तो यानी इसका मतलब है ए प्लस बी और प्लस बी और फिर उसके बाद ए प्लस बी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ए को बी से की दीजिए, क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। इधर करेंगे आप, क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। बी ए तो सीधा करके ए बी लिख लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा, बी को बी से देंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इतनी तो मल्टीप्लीकेशन आपको सबको आ गई है ना। अच्छा, अब देखिए इसके बाद क्या हो गया, ये ए स्क्वायर और ये देखिए ए बी और ए बी, यानी दोनों टर्म सेम है, सेम यानी लाइक टर्म है ये। तो इसका मतलब है ये ऐड हो जाएंगी, वन ए बी, वन ए बी कितना हो जाएगा? टू ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया कि जब भी कोई दो ब्रैकेट होंगे और उसकी दोनों में वैल्यू सेम होंगी, यानी फर्स्ट वैल्यू जो इधर है इस ब्रैकेट में वही सेकंड ब्रैकेट में भी वैल्यू होगी, और जो इधर सेकंड वैल्यू है उधर भी सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी सेकंड वैल्यू वही होगी, ठीक है। यानी इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा ये आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले का कांस्टेंट मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, हमेशा ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसकी शक्ल अब क्या हो सकती है? इसकी शक्ल एक और चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है वो देखिए, जब पूरा ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, देखिए तो ये बेस सेम है दोनों का, तो यानी पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। इसका मतलब है हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी हम ये कहेंगे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का प्रोडक्ट हमेशा ये आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे एक नंबर से करके देखते हैं हम। जब इसे नंबर से करके देखेंगे ना तो जल्दी बात हमें समझ में आएगी। सपोज हम लेते हैं 105 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला इस पे कैसे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर है, ये तो सिर्फ वर्स एक वैल्यू है, लेकिन अगर हम इसे दो भी बना सकते हैं, कैसे? 100 प्लस 5, ये लीजिए। तो यानी जब ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है इसको जो हमने ब्रेक किया है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा। अब ये देखिए, ये हो गई आपकी फर्स्ट वैल्यू यानी ए और ये सेकंड वैल्यू यानी बी, ठीक है। अब अप्लाई द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए, यानी अगर कोई भी दो वैल्यू आपके पास है और वो ब्रैकेट में क्लोज है और ऊपर स्क्वायर लगा है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा ये होगा, ये होगा उसका प्रोडक्ट, सही है। आप करके देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर लीजिए, ये फर्स्ट वैल्यू है ना यहाँ पे, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का कॉन्स्टेंट टू है, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू है यानी 100, उसके बाद मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू है, ठीक है, सेकंड वैल्यू यहां क्या है आपके पास? 5 है, ठीक है, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू क्या है आपके पास? 5 है, सही है। आप देखिए, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 40 आ जाएंगे ना, ठीक है। 100 को 2 से करेंगे क्या आएगा? 200 आ जाएगा, और 200 को जब 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, प्लस 5 5 सा
25 आ गया, और इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो प्लस तो करना आपको आता है, कितना बनेगा, ये 10,000 है ना, और ये 1,000 मिला दिया, इसमें कितना हो जाएगा 11,000, यानी आएगा 11,025, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप देखिए 105 को 105 से ज़रा रफ में करके देखिएगा, यही जवाब आएगा, लेकिन फॉर्मूले से कितनी आसानी से हो गया, वो आप डबल डबल मल्टीप्लाई करते रहे। अब देखें, बात ये है कि आपकी सोचे ये तो नहीं वो ज़्यादा आसान है, मसला ये है कि जब हम आगे बड़ी क्लास में जाते हैं या हम आगे कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं उसमें ये फॉर्मूले हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अभी तो हमें ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये आसान है, ये आसान है, ये तो फॉर्मूला ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, आपने देखा स्पेस पे जा रहे हैं, आज का इंसान स्पेस पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, वो तो कैलकुलेशन कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती होंगी, तो ये फॉर्मूले जो होते हैं जब किसी चीज़ का फॉर्मूला बना लेते हैं तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, इसलिए ये फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ये करते हैं कि एक अपना एक्सरसाइज से 8.5 से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं 7x प्लस 3 होल स्क्वायर, और जब इसको हम इसको जब ओपन करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा। अच्छा देखिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 7x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अप्लाइंग द फॉर्मूला, कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू यानी 7x मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू यानी 3, सेकेंड वैल्यू यहाँ 3 है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 7 टाइम 49, 49x स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन तो बहुत अच्छी तरह आ गई आप लोगों को, प्लस 7 2 14 और 14 3 42, ठीक है, 42x प्लस 3 3 9, देखिए वही चीज आ गई, सही है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। आया समझ में? अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है 8.5। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम।